और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब तुम लोग के लिए कमाल की खुशखबरी है, क्योंकि इस वीडियो के डलते ही ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास मैं लाइव आने वाला हूँ। तो अगर तुम लोग मेरे को लाइव पिटता देखना चाहते हो, लोगों को पीटते देखना चाहते हो और काफ़ी सारे इंटेंस मैचेस, इंटेंस क्लचेस देखना चाहते हो, या फिर तो हमारे साथ कस्टम्स खेलना चाहते हो, प्राइस पूल वाले कस्टम खेलना चाहते हो, तो भैया स्ट्रीम पे आ जाना, 6 बजे से होगी। फायर ऑफ इंतजार करेगा आपका। मेहमान नवाजी का मौका दोगे कि नहीं? मुझे पता है तुम जरूर मेरे को मेहमान नवाजी का मौका दोगे, लेकिन फिलहाल मेहमान नवाजी हमको करनी है जॉर्जो पूल में आए हुए लोगों की। क्योंकि भैया देखो, ये जगह पर उतरा था मैं तो ये इलाका है मेरा, और इलाके की सफाई करने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई थी, तो हमने उठाई गन और जुट गए भैया झाड़ू लगाने में। यार मैं सोचा ये बॉट है पता, बट बॉट इतना डैमेज नहीं देता। और इनको देखो, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है मेरी जान। बस जो भी हो, दोनों को चटकाया, बोला चलो बेटा चटको। अब इन दोनों को चटकाने के बाद मैं वापस आया, क्योंकि देखो जिधर मैं था ना, अब उधर बंदे आ गए थे। ये तो बॉट है यार, देखो बॉट है, झूठ नहीं बोलूंगा कि ये बंदा है, लेकिन तुम लोग बंदा मान के चलो से ठीक है। तो तुम्हारे भाई के 4 किल हो चुके थे, और क्योंकि मैं अकेला खेल रहा था तो मैं चढ़ गया टावर के ऊपर, और क्या मौका गवाया है भाई फारूक भाई। छी यार, इतना अच्छा मौका कोई कैसे गवा सकता है यार। पर जो भी हो, मौका दोबारा मिलेगा, बोलते हैं ना जिंदगी सबको दोबारा मौका देती है, और हमको वो मौका मिल गया बहुत ही जल्दी फटाक से। और इस बार अरे भाई ने दोनों की चंपी करी बेटा, चटको दोनों, चटको जल्दी से चटको, फिनिश हो जाओ। बॉट को किसने नॉक करा बे? वेल जो भी हो, किल तो हमने उठाया भाई, किल नहीं जाने देंगे। दोनों को चटका भी दिया, तो अब यहां पर लग रहा था कि फाइनली जॉर्जो खाली हो चुका है, ऐसा हमको लगा था। लेकिन बॉट को मारने वाला भी चिंता होगा, इधर वो किधर है? अरे मेरी जान, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं है, टावर से अंधी फायरिंग हो रही है, कम ऑन यार। बस जो भी हो, सबको ठोकने के बाद फाइनली मैंने एक बग्गी उठाई, और कहाँ गया मैं? हर रोज की तरह जॉर्जो टाउन, बिकॉज अगर यहाँ चक्कर नहीं मारा ना एक बार, तो समझ लो 3-4 किल तो छोड़ दिए आपने। बिकॉज भाई जितने बंदे जॉर्जो पूल में नहीं उतरते ना, उससे कहीं ज्यादा जॉर्जो टाउन में उतरते। मैं नहीं उतरता बिकॉज यार अपार्टमेंट की फाइट थोड़ी ना लूंगा अकेले में। अरे बेटवा, इतना अच्छा मौका मिला था, हाफ HP भी कर दिया था, उसके बाद भी हक दिया था। फिनिश होना तो तुम्हारा हक बनता था भाई, तो इनको फिनिश कर दिया। लेकिन पता था कि इसका बंदा भी वहीं होगा, क्योंकि ये बचने की कोशिश कर रहा था, तो उसके बंदे को भी इसके बंदे के पास भेजना था। तब हम दो दिलों को एक करने वालों में से हैं भाई, ऐसे जुदाई सही नहीं जाएगी हमसे। अब उसके टीममेट को मैंने नॉक करा कि नहीं करा पता नहीं, बट कार 98 कोई चला रहा है ये जरूर पता है हमको, और उस कार 98 वाले को ठोकेंगे जरूर, क्योंकि अपन को चाहिए स्नाइपर। अब देखो, जब अपन यहाँ पहुंचे तो जो बंदा कार 98 चला रहा था उसका कुछ अंदाजा था नहीं, लेकिन कुछ देर बाद ढूंढने के बाद, काफी देर घूमने के बाद भाई साहब मिल गए। अब तुम सोच रहे हो कार 98 क्यों नहीं उठाई? भाई अगर तुम मेरी स्ट्रीम देखते हो ना, तो तुमको पता होगा कि मैंने क्यों नहीं उठाई, अभी पता चल जाएगा फिलहाल। अब देखो, हमने जॉर्ज पूल क्या छोड़ा, मतलब घर बना लिया लोगों ने उधर, तो मैंने कहा चलो रुको तुमको बताता हूँ। एक को बहुत ज्यादा लो करा था, और गाड़ी कर दी पंचर। अब आम तौर पे आदमी समझ जाता है कि जो बंदा फायर कर रहा है भाई, उसे पंगे लेने का नहीं, उसकी हटी हुई है, लेकिन नहीं, इनको चाहिए था भैया लूट, मिल गई लूट। अभी नॉक पड़े भाई साहब, रिफ्लेक्स OP। वेल अभी तो घुस के अपन रिफ्लेक्स दिखाएंगे, अगर जिंदा बचे तो भाई। आप HP हो गया हूं मैं, पुश करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन किल की लालच, आय हाय हाय, पुश करवा के ही मानेगी।
चलो बेटा शेडगो रिफ्लेक्स ओपी के साथ तुम भी चलो लॉबी में। तो इन दोनों को ठोकने के बाद हमने उठाई बग्गी और घूम रहे थे कहाँ, शेल्टर के पास। और भाई यहाँ पर हर तरफ बंदे, पता हर तरफ। अरे भमिया क्या सोच रहे थे, अरे किल चुरा लिया मेरी साले, छोड़ूंगा नहीं। कौन है ये देखो, एशियन गार्डन से कौन मर रहा भैया, क्या जमाना आ गया। वेल अपन यहाँ पत्थर के पास छुप गए क्योंकि जिसने भी किल चुराई थी भाई वो था स्नाइपर। अपने पास लेवल 3 का टकला था तो, बट यार क्यों फालतू का डैमेज लेना, खुद ही आएंगे वो लोग। ये तो नहीं था वो जिसने मेरी किल चुराई है, किल चुराने वाला तो ये आया भी नहीं है, बग्गी वाला फिर होगा क्योंकि बग्गी कोई तो चला रहा था। भाई टीममेट पूरा फिनिश हो गया, बचाने की कोशिश नहीं करी उस बंदे ने स्मोक डाल के। भाई क्या खतरनाक टीम में है भाई, मतलब पूरा बेट कर दिया टीममेट को। और उसके बाद देखो भाई सल्लू भाई बनने की फुल कोशिश, यही था इसी ने किल चुराई थी मेरे साले, हो गया स्वाद तेरे को। वेल अब देखो अगर तुमको लग रहा हो कि भाई मैं क्या ही खेल रहा हूँ तो अब यहाँ पर कुछ थोड़ी देर में तुम ऐसा देखने वाले हो ना जिसके बाद तुम्हारा भरोसा मेरे ऊपर से उड़ जाएगा। लेकिन तब तक मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। वह क्या कि आई थिंक कल अपन खेल रहे थे मिरामार का एक गेम, और भाई उसमें कार 98 से कम नहीं तो मैंने 15 हेडशॉट मारे पता है, और मेरे को एक किल नहीं मिला, एक नॉक नहीं मिला। पूछो क्यों, सबके पास लेवल 3 हेलमेट। भाई मेरे को समझ ही नहीं आता यार कि क्यों चलाऊं मैं कार 98 M24 और मोजिन नगनेट, कोई मतलब ही नहीं इन गन्स को चलाने का। भाई विनचेस्टर को तो समझ में आता है, वो तो पॉकेट स्नाइपर है, उसको समझ में आता है मेरे को, बट यार कार 98 M24 और मोजिन नगनेट तो वेस्ट है भाई। अरे भाई भाई पूरी गाड़ी उछल गई, बंदा स्पॉट हो गया। चलो किल जेब में आ गया। पहले से पहले तुम लोग क्या ऑफेंड हो जाओ, तो देखो कार 98 के साथ अपना अलग फीलिंग जुड़ा हुआ है, तो कार 98 में उठा लेता हूँ, बट M24 मेरे को बिल्कुल वर्थ नहीं लगती। और मोजिन नगनेट इतनी लंबी है यार कि बिल्कुल भाई दूर रहता हूँ मैं ज़्यादातर केसेस में उस गन से, बहुत अटकती दीवारों में, वो पीक लेना डिफिकल्ट होता है उससे। ऐसे में जानती हूँ गेम की सबसे बेस्ट स्नाइपर कौन सी है, AWM भाई, AMR-30 है सच बताऊँ तो, कोई मतलब नहीं उस गन को लेने का भाई। लेकिन AWM परफेक्ट है भाई, परफेक्ट स्वाद आता है यार उस गन का नाम लेने से। कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ? इसी चीज की बात कर रहा था मैं भाई, ये 3 स्प्रे हगने के बाद मेरा भरोसा उड़ गया अपने से। मैंने कहा फारो भाई बग्गी लोग जोन में जाओ, लेकिन किसी ने तो मेरे को तल लिया भाई, शायद ये बग्गी वाला था और इसका स्प्रे मिस नहीं हुआ, बहुत तगड़ा डैमेज दिया इसने। अब इससे बचता हुआ किस तरीके से मैं जोन तक आ गया, लकी था मैं कि मेरे पास मेट्स की कोई कमी नहीं थी, तो मैं फटाक से उतरा और जल्दी से मैंने हील कर लिया। गलती करी, मेरे को शायद लोटा नहीं पीना चाहिए था, फर्स्ट एड से काम चल जाता, तभी बग्गी आई इधर एक। अब कमाल की बात यह कि बग्गी वाला रुका जोन के बाहर, पुश करा मेरे ऊपर उसने, शायद ये वही है जिसके ऊपर मैं स्प्रे चूका था। अब जरा क्लोज रेंज की स्किल दिखानी पड़ेगी भाई को। अरे देखा अरे मौली डाल रहा है, भाग मरम, बच गया भाई। मेरे को लगा था मैं इधर मर जाऊंगा बताए, बट किसी तरीके से अपन बच गए। मतलब स्प्रे मैंने क्या हल दिया, भाई ने सोचा नूब है बाहर पुश करके मार दूंगा, लेकिन भाई जोन में नहीं जाने देंगे ये लोग मेरे को, भाई खत्म है, जोन से ही मर जाऊंगा लग रहा है। मर गया